विज्ञान ने बीते कुछ समय में काफी तरक्की की है और इस बात में कोई शक नहीं कि अगर इस दुनिया में साइंस नहीं होती तो शायद आज हम चांद पर जाने की बात नहीं करते। लेकिन अब हमारे वैज्ञानिक केवल स्पेस साइंस और केमिकल एक्सपेरिमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि दो अलग अलग जानवरों की क्रॉस ब्रीडिंग से एक हाइब्रिड जानवर को तैयार करने की काबिलियत भी रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको दुनिया में मौजूद 10 ऐसे ही अमेजिंग हाइब्रिड एनिमल से रूबरू कराते हैं जिन्हें देखकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा कि भला ऐसे भी कोई जानवर होते हैं क्या। लाइगर। जैसा कि इस जानवर के नाम से ही पता चलता है कि इसे एक लायन और टाइग्रेस के मिक्स ब्रीड से विकसित किया गया है। हालांकि वैसे तो जंगल में एक बाघ और शेर कभी भी एक दूसरे के साथ मेटिंग नहीं करते और एक दूसरे से बिल्कुल अलग इलाके में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी हाइब्रिड नस्ल को जू में बनाया गया है। दरअसल लाइगर का शरीर तो किसी शेर की तरह ही काफी विशाल होता है, लेकिन इसके शरीर पर बाघ जैसे ही काले निशान भी बने होते हैं। लाइगर आमतौर पर किसी भी जंगल में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ चिड़ियाघरों में ही रखा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लाइगर का नाम हरक्यूलीज है, जिसका वजन लगभग 418 किलोग्राम के आसपास है। सवाना कैट। इस दुनिया में डॉग के बाद बिल्ली एक ऐसी जीव है जिसे ज्यादातर लोग अपने घरों में पालना पसंद करते हैं। वही इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो इन छोटी बिल्लियों के अलावा बाघ और तेंदुए जैसे विशाल जानवरों को पालने के क्यूरियस रहते हैं, लेकिन इन जानवरों के खतरनाक स्वभाव के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे ही लोगों के शौक को ध्यान में रखते हुए साल 1980 में US वैज्ञानिकों ने पालतू बिल्ली और अफ्रीकन सर्वल कैट के मिक्स ब्रीड से एक हाइब्रिड बिल्ली को विकसित किया था और इन दोनों बिल्लियों के मेल से जो हाइब्रिड बिल्ली तैयार हुई थी वह दिखने में वाकई बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। इसे आगे सवाना कैट नाम भी दिया गया। इस सवाना कैट का आकार इतना बड़ा था कि पहली नजर में देखने वाला इंसान इसे देखकर धोखा खा सकता है कि ये कोई नई प्रजाति की बिल्ली है या फिर कोई तेंदुआ। हालांकि आज की तारीख में ये लोगों के घरों में पाली जाने वाली फेमस जानवरों में से एक है। ज़ॉर्स। वैसे तो ज़ीब्रा काफी अनोखे जानवर होते हैं, लेकिन तब ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं जब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग किसी दूसरे जानवर के साथ होती है। अब इस क्लिप में जिस जानवर को आप देख रहे हैं उसका नाम ज़ॉर्स है, जिसे ज़ीब्रा और घोड़े के क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। ज़ॉर्स दिखने में जितने क्यूट लगते हैं उतने ही अधिक शानदार भी होते हैं, क्योंकि ज़ीब्रा की स्ट्राइप्स जब अलग जानवरों के शरीर में दिखाई देती है तो ऐसे में इनका रूप और भी ज्यादा निखर कर आता है। हालांकि ज़ॉर्स काफी रेयर होते हैं, लेकिन अब अधिक मात्रा में इनकी क्रॉस ब्रीडिंग होने की वजह से ये तबेले में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। खैर, इसके बावजूद भी इनकी कीमत आम घोड़ों की तुलना में कई गुना अधिक है, क्योंकि घोड़ों के शौकीन लोगों के लिए ज़ॉर्स आकर्षण के केंद्र होते हैं। यही कारण है कि अपने अस्तबल की शोभा बढ़ाने के लिए घोड़े के शौकीन लोग ज़ॉर्स को मुंह मांगी कीमत देकर खरीदने से भी परहेज नहीं करते हैं। सार्लूस वोल्फ डॉग। साल 1935 में नीदरलैंड्स के एक डॉग ब्रीडर सार्लूस ने दो अलग अलग प्रजाति के जानवरों को मिक्स ब्रीड के माध्यम से नई नस्ल को विकसित किया था। सार्लूस ने इस नई नस्ल के जानवर को बनाने के लिए जर्मन शेफर्ड डॉग और साइबेरियन ग्रे वोल्फ के डीएनए का इस्तेमाल किया था। वैसे तो इस नई नस्ल को एक कुत्ते का दर्जा भी दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर वो सारी खूबियां पाई जाती है जो किसी भेड़िए के अंदर होती है। यही कारण है कि ये बिल्कुल भेड़िए की तरह ही अपना एक झुंड बनाकर रहना पसंद करते हैं। साथ ही ये अपने झुंड में एक लीडर का चुनाव भी करते हैं, जैसा कि आमतौर पर भेड़ियों के झुंड में देखने को मिलता है। सार्लूस वोल्फडॉग का शरीर तो किसी कुत्ते की तरह दिखता है, लेकिन इसका मुंह बिल्कुल भेड़िए जैसा होता है और ये किसी कुत्ते की तरह भौंकने के बजाय बिल्कुल भेड़ियों जैसी आवाज निकालते हैं। बेल्जियन ब्लू बुल। इस सांड का ताकतवर शरीर और जबरदस्त मसल्स इसको एक खास नस्ल बनाते हैं। बेल्जियन ब्लू बुल को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी जिम में एक्सरसाइज करके इन्होंने इतनी शानदार मसल्स बनाई है। हालांकि ये सांड नेचुरल प्रोसेस से पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि इनको बनाने के पीछे वैज्ञानिकों का कारनामा है। 19वीं सदी में बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने इस नस्ल को बनाने के लिए दुनिया भर की करीब 50 शक्तिशाली गायों और बफलों की नस्लों का इस्तेमाल किया था। अगर आम भाषा में कहा जाए तो इन गायों और भैंसों की क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए एक नई प्रजाति के सांड को जन्म दिया गया था। करीब 1100 से 1250 किलोग्राम के वजन वाले ये सांड यूं तो दिखने में काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन हकीकत में ये काफी शांत स्वभाव के होते हैं।
खास तौर पर बीफ इंडस्ट्री में मांस की खपत को देखते हुए ऐसे सांडों को जन्म दिया जाता है, क्योंकि इनके शरीर में काफी अधिक मात्रा में मसल्स होती है और बेल्जियन ब्लू बुल को एक अच्छी क्वालिटी के मीट के लिए जाना जाता है। फेदरलेस चिकन। अगर आप भी चिकन के शौकीन हैं तो आपने अपनी लाइफ में कई तरह के मुर्गों को देखा होगा जो बड़े पंखों के साथ मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आपने कभी किसी ऐसे मुर्गे को देखा है जिसकी बॉडी पर पंखों का नामो निशान तक नहीं होता, तो आपका जवाब यकीनन ना ही होगा। तो अब जरा एक नजर इस अजीब से दिखने वाले चिकन के ऊपर भी डाल लीजिए, जिसे फेदरलेस चिकन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये फेदरलेस चिकन नेचुरल प्रोसेस से पैदा नहीं होते हैं, बल्कि बहुत ही खास नस्ल के इस मुर्गे को वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि अपने शरीर पर मौजूद भारी भरकम पंखों के कारण साधारण नस्ल के मुर्गे उन जगहों पर जीवित नहीं रह पाते हैं जहाँ काफी गर्मी पड़ती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने दो अलग अलग नस्ल के मुर्गों के मिश्रण से एक हाइब्रिड नस्ल के फेदरलेस चिकन को पैदा करने का काम किया, जिनके शरीर पर एक भी पंख नहीं उगते हैं। जैग लायन। मेल लेपर्ड और लायनेस के डीएनए से मिलकर बना ये जैग लायन दिखने में किसी फैंटेसी मूवी जैसा लगता है, क्योंकि इनका जन्म एक प्रेम कहानी पर आधारित है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो कभी इनके माता पिता के बीच हुआ करती थी। दरअसल मेल लेपर्ड और लायनेस को कनाडा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक साथ रखा गया था, जहां इन दोनों के बीच प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस सेंचुरी के कर्मियों ने इन दोनों को अलग अलग रखने का फैसला किया, और ये फैसला मेल लेपर्ड को जरा भी पसंद नहीं आया। वहीं इस जुदाई में लायनेस ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया, जिसके बाद आखिरकार सेंचुरी के कर्मियों ने इन्हें फिर से एक साथ रखने का फैसला किया, और कुछ दिनों के बाद इन दोनों के मिक्स्ड ब्रीड से जैग लायन का जन्म हुआ। हालांकि दिखने में जैग लायन जितने क्यूट और अद्भुत है, फितरत में ये उतने ही अग्रेसिव और खतरनाक भी है। बीफैलो। इस वीडियो में अब हम जिन जानवरों के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसे बीफैलो के नाम से जाना जाता है। दरअसल बीफैलो को डोमेस्टिकेटेड बुल और अमेरिकन बायसन के क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से इन जानवरों को बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण इंसानों का अपने स्वार्थ को पूरा करना है। दरअसल बीफैलो की बॉडी में काफी अधिक मात्रा में मीट होता है, और इस मीट का टेस्ट लोगों को दीवाना बना देता है, जिसकी वजह से इनकी मीट मार्केट में डिमांड चरम पर होती है। यही वजह है कि डोमेस्टिकेटेड बुल और अमेरिकन बायसन की क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर बीफैलो को तैयार किया जाता है, ताकि लोगों के निजी स्वार्थ और मीट मार्केट की डिमांड को आसानी से पूरा किया जा सके। सुपर बॉल पायथन। अब जरा एक नजर इस बेहद ही क्यूट और अनोखे पायथन पर भी डाल लीजिए, जिसे बॉल पायथन और ब्लड या मार्बल बोर्नियो शॉर्ट टेल पायथन की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। ये पायथन दिखने में इतने खूबसूरत है कि इन्हें डिजाइनर स्पीशीज भी कहा जाता है। लेकिन बता दे कि इनकी इस खूबसूरती की कीमत भी काफी अधिक होती है, क्योंकि जहां एक ओर इन्हें तैयार करने में लंबा समय लगता है, तो वहीं दूसरी ओर इन्हें जन्म लेने के बाद काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। दरअसल ये जीव क्रॉस ब्रीडिंग के चलते अपने शरीर में होने वाले बदलाव को आसानी से हैंडल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर ये जिंदा रह जाते हैं तो इनकी डाइट साधारण सांपों की तुलना में काफी अधिक होती है। इसके साथ ही ये जल्दी ही रिप्रोडक्शन के लिए तैयार भी हो जाते हैं। हाइनी। वीडियो के अंत में अब हम आपको एक ऐसे जानवर से मिलवाने वाले हैं, जिसे पहली नजर में देखकर कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि ये गधा है या फिर कोई घोड़ा। दरअसल इस जानवर को मेल घोड़ा और फीमेल गधे की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है, और इसीलिए इसे हाइनी नाम दिया गया है। हालांकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक घोड़े में बेशुमार ताकत होती है, जो अपने पीठ के ऊपर किसी इंसान को बैठाकर बिना रुके और बिना थके ही लंबी दूरी तय करने का दम रखते हैं, तो वही गधे सदियों से बोझ ढोने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग से हाइनी को तैयार किया गया है, जो घोड़े जैसी ताकत के साथ साथ गधे जितना लगातार काम कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए।